दोस्तों स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम कुछ नया ट्राई करके देखने वाले हैं। यार काफी सालों से मतलब कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि मैक्सिमम हमारी पतंग कितनी दूर जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है, मतलब कि ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है मेरा। और इस वक्त मैं ना इसके लिए यहाँ देख सकते हैं आप गट्टू ही गट्टू लेकर आ गए हूँ। पांच हमारे पास सद्दी के गुल्ले हैं, ये देखिए पांच गुल्ले हैं। फिर उनको लपेटने के लिए मशीन है, उतारने के लिए उतारते वक्त हम लपेट भी सकते हैं। हवा आज बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, मतलब कि हवा की अगर मैं आपको स्पीड बताऊं तो बहुत तेज है। तो हमने यहाँ पे अपनी 10 रुपए वाली पतंग ली है, भाई दिखाइए 10 रुपए वाली पतंग। और हम आकाश भाई के साथ आज ये एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले हैं, अपनी इस पतंग को सबसे दूर उड़ा के देखने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि अपने पांचों गट्टू को हम खाली कर दें, पांचों गट्टू को हम ये खाली कर दें। और पांच गट्टू का मतलब पता ना, एक गट्टू में इतनी दूरी होती है कि पतंग बिंदु बन जाती है। और हम पांच गट्टू को ट्राई करके देखने वाले हैं। और 10 रुपए वाली पतंग ले रखी है, बड़ी पतंग। और हवा इस वक्त इतनी तेज चल रही है कि हमारा ये जो पेड़ है ना बिल्कुल भी शांत नहीं है, बोले जा रहा है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और चलते हैं छत पे, उड़ाते हैं इस पतंग को और देखते हैं कितनी दूर जाएगी। यार चलिए शुरू करते हैं। चलो आकाश भाई चलें। चलो यार तीन गट्टू तुम पकड़ लो, कुछ मैं अपनी थैंक्स काम होगा। चलो लेट्स गो। हम यहाँ पर ना गट्टू से भी उड़ा सकते थे, मांझे से भी पतंग उड़ा सकते थे, बट हमें इतनी ज़्यादा दूर उड़ानी है ना पतंग कि हम इतना सारा मांझा वेस्ट नहीं कर सकते। अगर बाई चांस पतंग टूट के चली गई ना तो बहुत सारा मांझा वेस्ट हो जाएगा और हमारा गट्टू फिर खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम सादी को इस्तेमाल करें, और इसलिए मैं पांच गट्टू सादी के लिए आया, पांच गट्टू सादी के, और वो बहुत इनफ है, बहुत है, पांच गट्टू सादी के लिए बहुत है। दोस्तों हमारी ये पतंग करने दल के तैयार है। देखो अब गट्टू ये हमारे पास सादी भी मैंने अपने हाथ में ले रखी है, अभी हाथ में ही बहुत है मेरे, और बहुत तेज हवा चल रही है। चलो शुरू करते हैं अपनी पतंग को उड़ाना, लेट्स गो। दोस्तों हमारा गट्टू खाली होना शुरू हो गया है, लेट्स सी। दोस्तों हमारी पतंग काफी दूर जा चुकी है और बहुत टाइट चल रही है, वैसे तो नहीं साधी है बिल्कुल, इसको मजबूत होना चाहिए इतना कि पतंग हमारी टूट के ना जाए, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। बाकी आगे सामने टावर भी है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं। माइनस पॉइंट हमारे साथ इस वक्त सामने है, जो टावर है वो बिल्कुल पतंग की सीध में है, अगर हमारी छाती टावर में फंसती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पतंग बहुत दूर जा चुकी है और इस वक्त इतनी ज्यादा टाइट चल रही है जिसकी हद नहीं।
तो दोस्तों पहला कट्टू, पहला लग ये हमारा खाली होने वाला है और हमारी पतंग बिल्कुल बिंदु बन चुकी है। अगर आप कोशिश करें तो देखने की, दिखाइए यार भाई इतनी दूर है और भाई बिल्कुल शॉर्ट बन चुकी है मैक्सिमम भाई। इसमें ना ऐसा कर पकड़ के रख, बस पकड़ के रख। भाई साहब सर्दी से भी हाथ कटने का दर्द बहुत ज्यादा टाइट चलता। बहुत दूर बहुत जरा सी डिग्री बना बेटे। ओ ओ ओ हाथ में से टूट गई, हाथ में से टूट गई, हाथ में से टूट गई यार। तो वीडियो ले सकता है वो सिले पतंग की बिल्कुल नहीं आ रही मुझे दिख रही, मेरे को ही नहीं दिख रही है पतंग। बांध दिया तूने? हां बांध दिया मैंने, तुझे दिख रही है? हां मुझे दिख रही है। डिग्री बहुत छोटी डिग्री है। अभी दूसरा ही है ना सर? यस दूसरा ही है ना, खाली होने वाला दूसरा भी। हाँ दोस्तों हमने दो गट्टू खाली कर दिए हैं और पतंग इतनी ज्यादा टाइट चल रही थी हमें संभल में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गट्टू यार दूर है तो बिल्कुल ही डॉट हो गया, डॉट वर्गी पतंग। तो दोस्तों दूसरा गट्टू खाली हो चुका है और पतंग हमें दिखनी बहुत कम हो चुकी है, बहुत बहुत छोटी पतंग दिख रही है और बहुत ज्यादा टाइट चल रही है पतंग। ध्यान नहीं दिया, दूसरे गट्टू में चली गई, लेकिन इसके आगे हमारा तीसरा गट्टू लगता भी ना, चोर की लगा हाथ पे गई। उड़ रही है, उड़ रही है, अपने आप ही उड़ रही है। देख रहा था बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। जो इसको पकड़ेगा ना बता उनको सोचेगा इतनी शादी का कहते नहीं शादी जाओ। दिख रही, दिख रही थोड़ी थोड़ी दिख रही। कहाँ पे कहाँ? अभी पेड़ के पीछे आई बहुत ही हल्की दिख रही है यार, बहुत ही हल्की, वो दिखने की नहीं है। तो यार बहुत जोर की आके गुल्ला मेरे हाथ में लगा, जब वो हमारे हाथ से पतंग छुटके गई ना, क्योंकि सादी इतनी जोर की निकल रही थी उसमें से, मतलब इतनी जोर से सादी निकल रही थी कि हाथ कटते कटते बचाया मेरा सादी से दो तीन बार। पतंग इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी थी इतनी दूर जाके जिसकी हड्डी, तो दो गुल्ले हमने पूरे खाली कर दिए और मतलब कि पहले गुल्ला खाली होने के बाद ही पतंग बहुत टाइट हो गई थी। हमने कितनी मुसीबतों से उसको कंट्रोल कराया ना, बस हम जानते हैं कि दो गुल्ले भी हमारे कैसे खाली हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैक्सिमम दूरी की हम बात करें कि मैक्सिमम हम कितनी दूर पतंग उड़ा सकते हैं, तो भाई दो गुल्ले मैक्सिमम है, तीसरा गुल्ला बहुत ही ज़्यादा सेट हवा में हो जाएगा। लेकिन हमने 10 रुपये वाली पतंग उड़ाई और हमारी पतंग मतलब कि समझ लो पेड़ों से जरा सी ऊपर रही, ऊपर मतलब ये था मेरे को भी थोड़ी ऊपर चली जाएगी आसमान में, नहीं गई ठीक है ना। हमने महंगी पतंग उड़ाई ताकि ऊपर चली जाए आसमान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो
अभी क्या हमें समझ आया कि ज्यादा दूर हम मैक्सिमम दूर एक गुल्ला उड़ा सकते हैं, दूसरा गुल्ला उड़ा सकते हैं, तीसरे गुल्ले में जाओगे ना फटके हाथ आ जाएगी। तो इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जहाँ पर अमेजिंग चीजें मैं करता रहता हूँ और लाइक सब्सक्राइब आपके जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ। तो प्लीज से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज से इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको आने वाले सभी ब्लॉग्स देखने को टाइम से मिल जाए। तो लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।